दोस्तों आपका फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोमनाथ मंदिर के बारे में, जिन्हें मोहम्मद गजनबी ने बहुत बार तोड़ा था। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं मंदिर की कुछ विशेषता के बारे में, फिर जानेंगे मोहम्मद गजनबी ने कैसे तोड़ा था यह मंदिर। दोस्तों गुजरात प्रांत के काठियावाड़ क्षेत्र में समुद्र के किनारे सोमनाथ नामक विश्व प्रसिद्ध मंदिर में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक स्थापित है। इस सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा महाभारत, श्रीमद् भागवत तथा स्कंद पुराण आदि में विस्तार से बताई गई है। दोस्तों कहते हैं सोमनाथ मंदिर में शिवलिंग हवा में स्थापित था। जानकारों के अनुसार यह वास्तुकला का एक नायाब नमूना था। इसका शिवलिंग चुंबक की शक्ति से हवा में स्थित था। दोस्तों चंद्रदेव का एक नाम सोम भी है। उन्होंने भगवान शिव को ही अपना नाथ स्वामी मानकर यहाँ तपस्या की थी, इसलिए इसका नाम सोमनाथ हो गया। तो दोस्तों आइए अब जानते हैं इस मंदिर को तोड़े जाने की कहानी। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश करते हैं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल के बेल आइकन भी दबा दीजिए। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस मंदिर को तोड़े जाने की कहानी। दोस्तों सर्वप्रथम इस मंदिर के उल्लेखानुसार ईसा के पूर्व यह अस्तित्व में था। इसी जगह पर द्वितीय बार मंदिर का पुनर्निर्माण 649 ईस्वी में बैलवी के मैत्रिक राजाओं ने किया। पहली बार इस मंदिर को 725 ईस्वी में सिंध के मुस्लिम सूबेदार अल जुनैद ने तुड़वा दिया था। फिर प्रतिहार राजा नागभट्ट ने 815 ईस्वी में इसका पुनर्निर्माण करवाया। दोस्तों इसके बाद मोहम्मद गजनबी ने सन 1024 से 25 ईस्वी में कुछ 5000 साथियों के साथ सोमनाथ मंदिर पर हमला किया, उसकी संपत्ति लूटी और उसे नष्ट कर दिया। तब मंदिर की रक्षा के लिए निहत्ते हजारों लोग मारे गए थे। ये वे लोग थे जो पूजा कर रहे थे या मंदिर के अंदर दर्शन लाभ ले रहे थे, जो गांव के लोग मंदिर की रक्षा के लिए निहत्ते ही दौड़ पड़े थे। दोस्तों महमूद गजनबी के मंदिर तोड़ने और लूटने के बाद गुजरात के राजा भीमदेव और मालवा के राजा भोज ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। 1093 में सिंध राजा जयसिंह ने भी मंदिर के निर्माण में सहयोग दिया। 1168 में विजेश्वर कुमार पाल और सौराष्ट्र के राजा खंगार ने भी सोमनाथ मंदिर के सौंदर्यीकरण में योगदान दिया था। दोस्तों सन 1297 में जब दिल्ली सल्तनत के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नुसरत खान ने गुजरात पर हमला किया तो उसने सोमनाथ मंदिर को दोबारा तोड़ दिया और सारी धन संपदा लूट ले गया। मंदिर को फिर से हिंदू राजाओं ने बनवाया, लेकिन सन 1395 में गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह ने मंदिर को फिर से तोड़वा कर सारा चढ़ावा लूट लिया। इसके बाद 1412 ईस्वी में उसके पुत्र अहमद शाह ने भी यही काम किया। बाद में मुस्लिम क्रूर बादशाह औरंगजेब के काल में सोमनाथ मंदिर को दो बार तोड़ा गया, पहली बार 1665 ईस्वी में और दूसरी बार 1706 ईस्वी में तोड़ा गया था। दोस्तों 1665 में मंदिर को तोड़वाने के बाद जब औरंगजेब ने देखा कि हिंदू उस स्थान पर अभी भी पूजा अर्चना करते आ रहे हैं तो उसने वहां एक सैन्य टुकड़ी भेजकर कत्ले आम करवा दिया। दोस्तों जब भारत का एक बड़ा हिस्सा मराठों के अधिकार में आ गया तब 1783 ईस्वी में इंदौर की रानी अहिल्याबाई द्वारा मूल मंदिर से कुछ दूरी पर पूजा अर्चना के लिए सोमनाथ महादेव का एक और मंदिर बनवाया गया। दोस्तों भारत की आजादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने समुद्र का जल लेकर नए मंदिर के निर्माण का संकल्प लिया। उनके संकल्प के बाद 1950 में मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ। 6 बार लूटने के बाद 7वीं बार इस मंदिर को कैलाश महामेरु प्रसाद शैली में बनवाया गया। इसके निर्माण कार्य से सरदार वल्लभ भाई पटेल भी जुड़े रह चुके हैं। इस समय जो मंदिर खड़ा है उसे भारत के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बनवाया और 1 दिसंबर 1995 को भारत के राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया। तो ये थी दोस्तों सोमनाथ
सोमनाथ मंदिर के तोड़े जाने की कहानी। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों इस चैनल पर आप नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल के बेल आइकन भी दबाइए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।